अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज नंबर 2.6 करने लगे हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द स्क्वायर रूट और द डेसिमल अप टू 3 नंबर्स। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमें 2, तो हम लोग लिखेंगे, फर्स्ट पार्ट है 2। तो अभी इसका आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है इन इस 2 का, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस तरह करेंगे, ठीक है, इधर 2 लिख देंगे आप। जब आप इधर 2 लिखेंगे तो आपको इधर 1 1 1 मतलब 1 into 1 1, तो यहाँ पे बच इसको आप मैंने माइनस करना, तो नीचे आंसर 1 आ जाएगा। तो अभी हम लोग इधर पॉइंट लगाएंगे, और हमेशा जब भी जीरोस लगाएंगे हम हमेशा पेयर्स में लगाएंगे। जब भी हम लोग जीरो लगाएंगे तो पेयर्स में लगाएंगे। अगर मुझे और जीरोस लगाने हैं तो मैं पेयर्स में लगाऊंगा, ये दो पेयर, ये दो पेयर, ये दो पेयर, तो हमेशा हम लोग पेयर्स में लगाएंगे। लेकिन अभी हम लोगों को सिर्फ एक ही पेयर की जरूरत है, तो हम लोग यहाँ पे 100 लगा लेंगे। तो अभी जब आप नेक्स्ट पार्ट में आ रहे हैं तो आप इसका डबल कर दें, 2 इधर 2 कर दें, ठीक है। और अब आपको फाइंड करना है कि 2 के साथ ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा। तो 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा। 2 के साथ अगर हम लोग 4 ट्राई करते हैं, 2 4 into 4 24 into 4 4 4 16, और 4 2 8 9, 96 इसके क्लोजेस्ट है, 96 इसके क्लोजेस्ट है 100 के। तो हम लोग 96 लिखेंगे 24 इधर, क्योंकि 4 के ऊपर ये जा रहा है क्लोज, तो हम लोग यही करेंगे, ठीक है। तो इसको आपने माइनस करना है, आपके पास आ जाएगा 4। तो जब इधर 4 आ जाएगा तो आपने ये डेसिमल डाला हुआ है, मतलब पॉइंट डाला हुआ है, तो आप इसको जीरोस एक पेयर में डाल देंगे। जब आप इसको पेयर में डाल देंगे तो आपने हमेशा इसके नेक्स्ट पार्ट में इसको डबल करना है, 2 4 का डबल 8। जब आप ये कर लेंगे तो आपको भी फिर से फाइंड करना है कि इसके साथ हम क्या नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये 400 आ जाए। 400 नहीं आएगा, बस कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि ये 2 का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हम लोग इससे लीस्ट नंबर जो इस प्रकार है वो देखेंगे। तो हम लोग अगर इसको 2 पे मल्टीप्लाई करते हैं, 28 2 into 2 2 2 4 ये 16 2 2 4 5, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 564। तो हम लोग ये नहीं करेंगे, ये 400 से बहुत ज़्यादा हाई आ रहा है, तो हम लोग ग्रेटर नंबर नहीं, इससे स्मॉलेस्ट तो 1 ही रह गया है। अब 1 के साथ अगर आप करते हैं तो ये इसका 4 डालना मैं भूल गया, इधर 4, तो इधर 1 के साथ अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा आपका 281। अब आप इसको माइनस करें, जब आप इसको माइनस करेंगे आपके पास आंसर आएगा 119। आपके पास 119 आंसर आएगा। और फिर आपने वो ही करना है, इसका डबल, इस हमेशा इस एंड डिजिट का डबल निकालना है, 281 का डबल 2, ठीक है। अब ये है 282 के साथ आप क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 119 आएगा। ये कभी आ नहीं सकते क्योंकि ये ग्रेटर नंबर है, ये स्मॉलर, तो आप क्या करेंगे, इसका पेयर बना देंगे। तो अब ये हो सकता है, तो मैं इस पार्ट में बना रहा हूँ क्योंकि इधर कम स्पेस है। तो आप चेक कर ले कि इसके साथ हम कौन सा नंबर हम ट्राई करेंगे, तो 2 ट्राई करेंगे, 3 ट्राई, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, या 4 से, किस से, तो हम 4 से मल्टीप्लाई, 30, तो 4 2 8 4 8 32 4 2 8, और फिर प्लस 3 तो ये 11। तो मतलब आपके पास आंसर आ रहा है 1218, जो इससे लीस्ट है, मतलब इससे कम आ रहा है। तो आपने फिर इसके साथ इसका ये इसका कंटिन्यू मैं इस साइड में कर रहा हूँ, तो 11900 का आप क्या आंसर आया था, 1196, यही आंसर है, 1102 भी है इधर, ठीक है। तो ये आंसर आया था, तो अब आप इसको माइनस करेंगे 2, तो या आप इसको माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 604,
माइनस करेंगे क्या है आंसर आएगा 604। तो इधर 4 डालना है, ये इसका 4 था। तो ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग है, ये कभी भी नहीं ख़त्म होगा। आपने बस क्या करना है, जब यहाँ तक आप 3 डेसिमल तक आ जाते हैं तो आपने बस इसके नीचे इस तरह कंटिन्यू कर का निशान देना है। ये आपका अप टू 3 डेसिमल प्लेस आ गया। तो ये पार्ट 1 है, तो अभी हम लोग अगला पार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट हमारा थर्ड पार्ट 5 है। तो इस 5 का भी हम लोगों ने 3 डेसिमल प्लेस तक इसका हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। तो आपने वही मेथड है, इस तरह करना है आप लोगों ने, इधर 5 लिखना है। अब आप देख लें 1 1 1 आता है, 2 2 4, तो 2 2 4 सही है क्योंकि इसे थोड़ा करीब करीब आ रहा है। तो इधर आ जाएगा 1, इधर हम लोग लगाएंगे पॉइंट। तो इधर क्योंकि ये बड़ा है तो ये छोटा है, तो इस तरह नहीं हो सकता डिवाइड, तो आप इधर पॉइंट लगाएंगे और हमेशा ग्रुप के सूरत में लिखेंगे, हमेशा आपने इसका ग्रुप बनाना है, ठीक है। तो इधर 100 आ जाएगा। अब आपने इसको डबल करना है, डबल करेंगे 2 का डबल 4। अब आपको ये देखना है कि आप 4 के साथ ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास 100 आएगा। तो आप 4 के साथ अगर 2 मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 2 4 4 2 8 84, तो 84 इसके क्लोजेस्ट है, तो हम लोग यही करेंगे 84। और जब आप इसको यहाँ से माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 16। क्या आंसर आएगा आपके पास, 1 6 16। तो इधर आपने सॉरी 4 के साथ मल्टीप्लाई किया है ना, तो इधर आप 4 लिखेंगे, ठीक है। सॉरी 2 के साथ आप लोगों ने मल्टीप्लाई किया, 2, तो इधर 2 आएगा। तो जब इधर 16 आ गया तो ये इससे ग्रेटर है और ये स्मॉलर है, तो आपने पॉइंट लगा हुआ है तो आपने इसके 2 0 लगाने हैं, हमेशा की तरह मैंने आपको बताया इसको ग्रुप में होना चाहिए। जब आप इसके साथ 2 0 लगाएंगे, अब 44 में इसका, क्योंकि मैंने आपको बताया लास्ट डिजिट डबल करना है, तो 44 टू का डबल 4, तो 44 में आप ऐसा क्या और ऐड करेंगे कि आपके पास ये आएगा, या ये तो नहीं आएगा, इससे कम आएगा। तो आप 44 के साथ अगर 3 मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो 3 3 9, ये 12, 3 4 12 13, 1 3 2 9, तो ये इसके क्लोजेस्ट है क्योंकि 4 इसका क्लोज नहीं जाएगा, इससे अबव आएगा, तो हम लोग 3 से ही करते हैं। तो जब आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आंसर आ जाता है 20। तो जब आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास क्या आता है, क्या आएगा आपके पास, 1 3 9 2, यही आएगा, हाँ आपके पास यही आएगा नंबर। तो जब आप इसको माइनस करते हैं, ये इसी का पार्ट माइनस, जब आप इसको माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 271। तो इधर क्या होगा, 443, ठीक है, ये इसी का कंटिन्यू हो रहा है। तो जब आप ये करेंगे तो ये ग्रेटर है ये स्मॉलर, तो आपने फिर से इधर डेसिमल लगा हुआ है तो आपने इधर 2 0 लगाने हैं हमेशा की तरह। तो जब आप इधर 2 0 लगा लेंगे तो फिर आपने इसको डबल करना है नेक्स्ट टाइम, इसको आप डबल करके क्या हो जाएगा, जब आप इसको डबल कर देंगे, 3 का डबल क्या होता है, 6, तो इधर आपने अभी क्या लिखना है, 6। जब आप इधर 6 लिखेंगे तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि 446 मतलब 446 के साथ आप और क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ही इसके करीब आंसर आएगा। तो आप अगर आप इसके साथ 6 ही मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका क्लोजेस्ट आंसर आएगा जो है 2 2 2 0 7 9 6। क्या आ रहा है, 2 0 7 9 6, ठीक है। तो कितने किसके साथ हमने मल्टीप्लाई किया, 6 के साथ, तो क्या आंसर आ रहा है, 2 0 7 9 6। तो फिर आप जब इसको माइनस करते हैं तो आपके पास आंसर आ रहा है 304। क्या आंसर आएगा, 304। तो फिर से ये इससे स्मॉलर, ये ग्रेटर है तो वो स्मॉलर, तो आपने इधर पॉइंट लगा हुआ है तो फिर से आपने 0 लगाना है, और इसके बाद ये कभी भी सॉल्व नहीं हो सकता, तो आपने बस इसके नीचे ये कर देना है। और जैसे कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है अप टू 3 नंबर्स आपने करने हैं, तो ये आपके पास 3 नंबर्स आ गए,
जो है 2.236।